वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में रोजाना कई रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी चुनाव में ना जाने कैसे कैसे वीडियो सामने आ रहे हैं। रोजाना किसी न किसी वीडियो की चर्चा होती है। कहीं सपा के प्रत्याशी हाथी का बटन दबाने की मांग करने लगते हैं, तो कहीं पार्टी पर पैसा देकर कोई प्रत्याशी टिकट ना देने का आरोप लगाते हुए रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें एक शख्स पर्चा निरस्त होने पर फूट फूट कर रोता दिख रहा है। प्रत्याशी ने रो रोकर कई आरोप अधिकारी पर भी लगाए। पहले देखिए ये वीडियो, फिर बताते हैं आखिर ये साहब कौन है। सर मैंने दिया, मैं 11 बजे आ गया, पूछो अपने सब चपरासियों से, मुझे चपरासियों पूछो पे लेके आया और इन लोगों ने रोक लिया, दोबारा बुलाया जाएगा। बस इतनी मैं आपसे विनती करता हूं, मैं मर जाऊंगा साहब, मैं नहीं बचूंगा, मुझे 5 दिन से आप। मैं मर जाऊंगा कहने वाला ये शख्स संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी वैद्यराज किशन है। नामांकन फॉर्म कैंसिल होने पर इनका दुख छलका और ये अधिकारी पर आरोप लगाते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने 11 बजे बुलाया था और मैं ठीक समय पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पर्चा निरस्त कर दिया गया। इन्होंने मुझे परेशान कर दिया है, मैं 5 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ। आज 5 दिन हो गए खाना नहीं नसीब हुआ, कैसा होता है, क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? हाँ, क्या मांगे रखेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब देख लेना, जब ऊपर चले जाएं भाई, आ जाना शमशान घाट पे, क्या करेंगे? तो कुछ है ही ना। आम हत्या मैं क्यों करूंगा, मेरी हाथ मैं आम हत्या क्यों करूंगा, मैं आम हत्या क्यों करूँ? आपको ऐसा लगा कि जानबूझ के आपके बीजेपी का प्रत्याशी जो आया था सुरेश कुमार खन्ना ने, जब से मेरे एक ही साथी हुआ था नामांकन, और इसने ऐसे अधिकारियों को पढ़ाया यहाँ तक के चपरासी तक। किस पे आरोप है आपका सीधा? नगर मजिस्ट्रेट साहब जो इस वक्त, वो ऐसे धीरे धीरे चिड़िया काम कर रहे हैं जैसे कुछ कभी जिंदगी में पढ़े लिखे नहीं है। वैद्यराज किशन हर चुनाव में अनोखे अंदाज में नामांकन करने के लिए जाने जाते हैं। वे अब तक 19 चुनाव लड़ चुके हैं, हर बार अलग अलग अंदाज में नामांकन करने जाते रहते हैं। कभी दूल्हा, कभी अर्थी पर लेटकर, तो कहीं भैंसा गाड़ी पर बैठकर वे नामांकन स्थल पर पहुंचते हैं। इस बार वैद्यराज किशन ने पीपीई किट पहनकर नामांकन कराया था। इतना ही नहीं, हर वार्ड मेंबर से लेकर नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव ये लड़ चुके हैं, लेकिन जीत एक में भी हासिल नहीं हो पाई। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।